हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एंटिम क्रूड के विषय में। एंटिम क्रूड, जिसका पूरा नाम है एंटीमोनियम क्रूडम, ये जो है आपको जो है इसको कहाँ, कब और कैसे यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके मेंटल सिम्टम से। तो इसका मेंटल सिम्टम क्या रहता है, इसका पेशेंट जो है बहुत उदास रहता है, सैडनेस रहता है, मानसिक रूप से जो है एकदम परेशान रहता है, चिंता हमेशा रहता है उसको, जो है किसी काम में उसको मन नहीं लगता है और उसको आत्महत्या करने की इच्छा होती है। पानी देखता है तो समझता है कि जो है सुसाइड बाई ड्राउनिंग, माने हम डूब करके मर जाएं। तो ये सिम्टम अगर है आपके अंदर में या किसी पेशेंट के अंदर में, तो आप जो है एंटिम क्रूड 200 चार बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए, आपका ये मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। याद रखिए, इसमें जो सैडनेस होना चाहिए, अगर ये सिम्टम है तो आप एंटिम क्रूड 200 चार बूंद सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है हेडेक, माथा में दर्द होना। अगर जो है अल्कोहल पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पी लिए या जो कोई खट्टा फल खा लिए, मांस खा लिए, फल खा लिए, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, आपको पेट में दर्द हो गया, पेट में गैस हो गया, पेट में बेचैनी हो गया, तो ऐसे सिम्टम में आप जो है एंटिम क्रूड 200 चार बूंद सुबह शाम करके खा लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो दिन में 3 बार खा लीजिए, आपका जो ये सारी प्रॉब्लम हेडेक की ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम आई पर है। आई पर इसका बहुत बढ़िया सिम्टम है, सर्दी के कारण आपकी जो है आंखें जो है सड़ जाती है, आंख के कोने में दर्द होता है। तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप एंटिम क्रूड 200 सुबह शाम खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। अगला सिम्टम कान पर है, ईयर पर है। ईयर में जो है अगर आपको कान के पीछे दर्द हो रहा है और कान में जो है भिन्न भिन्न टाइप की आवाज़ आती है, ऐसा सिम्टम है तो आप जो है एंटिम क्रूड 200 चार बूंद करके सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपके कान की आवाज़ बंद हो जाएगा, आपकी हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है नोज पर। नोज में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में अक्सर जो है आपके नाक से खून गिरने लगता है, ठंडी में कम होता है, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है अगर नाक से खून गिरता है गर्मी के महीने में, तो आप जो है एंटिम क्रूड दे दीजिए, वो एक ही डोज में ठीक हो जाएगा, दूसरे डोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिपीटेड अगर हो तो आप जो और भी दे सकते हैं। तो नोज पर दोस्तों इसका और सिम्टम है कि आपको जो है नोज पर, कान पर और चेहरे पर जो है ये सब पोर्शन में अगर आपको एक्जिमा हो जा रहा है, एंटिम क्रूड खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। चार बूंद सुबह शाम खा लीजिए, आपका जो स्किन का प्रॉब्लम जो है एक्जिमा पूरा साइड में अगर हो रहा है, तो आपका जो एंटिम क्रूड 200 चार बूंद सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए, आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि पैर के जो हमारा तलवा होता है, तलवा जो किसी भी कारण से जो उसमें गड्ढे पड़ गए हैं या बिना गड्ढे पड़ गए हैं और उससे जो है मोटे हो जाते हैं, आपको चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता है, आप जो है एंटिम क्रूड खा लीजिए 200 सुबह शाम, आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एंटिम क्रूड कॉर्ड्स की बहुत बढ़िया दवाई है, अगर तलवा में कॉर्ड्स हो गया है या वाट्स हो गया है तब पर भी एंटिम क्रूड चार बूंद सुबह शाम खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है अगर आपके उंगली में जो है आर्थराइटिक पेन हो गया है और उसके साथ साथ तो आपको पेट डिस्टर्ब है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आप जो एंटिम क्रूड 200 सुबह शाम खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि एंटिम क्रूड ऐसी दवाई है, ये जो है ओल्ड एज में ज़्यादा काम करती है और बच्चों में ज़्यादा काम करती है। तो ओल्ड एज में आपको 200 देनी है और जो बच्चों में 35 देनी है। तो अगर आपको आर्थराइटिक पेन है जॉइंट में, इसके साथ में आपको डाइजेशन डिस्टर्ब है, तो आपको एंटिम क्रूड तुरंत फायदा कर जाएगी। और खाली आर्थराइटिक पेन है और पेट आपका ठीक है तब काम नहीं करेगी। तो याद रखिए, आर्थराइटिक पेन जॉइंट्स विद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो आपको आराम हो जाएगा। अगर सिम्टम एक्सट्रीमिटी पर, आपका जो हाथ में इसमें अचानक जो है बैठे हैं ऐसे जर्किंग आता है, अगर ऐसा जर्किंग आता है तो आप एंटिम क्रूड एक डोज खा लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है पैर पर। आपके घुटने के नीचे जो पैर है पूरा टेंडर हो जाता है, छूने से दर्द होता है, उसमें जो है कॉर्न्स रहता है, अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जो है एंटिम क्रूड 200 सुबह शाम खा लीजिए कुछ दिन, आपका कॉर्न्स ठीक हो जाएगा, अब आपका जो पैर में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है हम उसको 2 बार बोल सकते हैं, रिपीट कर देंगे, इसको आप माइंड में कीजिएगा। तो इसका सबसे अच्छा सिम्टम है कि गर्मी के दिनों में ये दवाई अच्छी काम करती है। गर्मी के दिनों में आप जो है धूप में ज़्यादा काम करते हैं और धूप से आपके शरीर में दाने दाने घमौरिया जैसे निकल गए हैं, तो आप जो है एंटिम क्रूड के पेशेंट हैं, आप एंटिम क्रूड खा लीजिए, आपका जो है घमौरिया के दाने निकले वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी जो है दवाई नींद की बहुत अच्छी दवाई है, नींद जो है हमेशा बैठे बैठे आप सो रहे हैं वो बंद हो जाएगा, खाली एंटिम क्रूड 200 सुबह शाम कुछ दिन खा लीजिए। दोस्तों, इसका जो है अगला सिम्टम है दांत पर। जो है दांत पर बहुत बढ़िया काम करती है, अगर आपके दांत में कीड़े लग गए हैं और दांत खोखला हो गया है और उसकी जड़ सड़ गई है और दांत खुखड़ा हो गया, दर्द करता है उसमें, तो आप जो है एंटिम क्रूड 200 चार बूंद सुबह शाम खाइए, आपका जो दर्द आराम हो जाएगा। लेकिन आपका दर्द अगर सड़ गया है, खुखड़ा कैविटी हो गई है, तो आपको दांत निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आपको दर्द से आराम मिल जाएगा। एंटिम क्रूड 200 चार बूंद सुबह शाम खा लीजिए, आपका जो है दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम्स है नाखून पर, नेल्स पर। इसमें क्या होता है, नाखून जो है फट जाता है, जैसे यहाँ कोना फट गया या आपका नाखून ठीक है लेकिन फट गया है, तो आप जो है एंटिम क्रूड 200 एक डोज खा लीजिए, जरूरत पड़े तो दूसरा डोज खा लीजिए, आपका नाखून का फटना हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी जो है हो सकता है, कभी कभी गैस्ट्रिक से ही छाती में जलन होती है
उल्टी उल्टी की इच्छा होती है, जो है जी घबराने लगता है, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया है। जितने भी मिल्की प्रोडक्ट हैं इस सब खाने से अगर आपको जो है पेट खराब होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, तो आप जो आँख बंद करके एंटीम क्रूड खा लीजिए, 200 चाय बंद करके खा लीजिए, आपका जो है सारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। अगर आपको जो है IBS की प्रॉब्लम है, जैसे ओल्ड एज में होता है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एक बार कॉन्स्टिपेशन हो गया और फिर एक बार डायरिया हो गया, दो दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया, दो दिन डायरिया हो गया, तो ऐसा भी सिम्टम है IBS का। अगर ऐसा सिम्टम मिलता है, विशेषकर ओल्ड एज में या जवानों में मिलता है, तो आप जो है एंटीम क्रूड 200 चाय बूंद सुबह खा लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम डाइजेशन पर एक और है कि आप जब सोए रहते हैं या जागते हैं, आपके मुंह से लार गिरता है, मीठा लार गिरता रहता है, तो भी आप एंटीम क्रूड के मरीज हैं तो आप एंटीम क्रूड 200 सुबह शाम खाइए, दो दिन खा लीजिए, तीन दिन खा लीजिए, आपको जो लार गिरता है मुंह से वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डाइजेशन का एक और सिम्टम है, सबसे बढ़िया सिम्टम है कि आप जैसे आलू की सब्जी खा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो जो चीज़ खाएँगे आप उसी का ढेकार आएगा, जो खाना खाएंगे आप उसी का आपको ढेकार आएगा, तो आप जो है एंटीम क्रूड 200 सुबह शाम लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, गैस्ट्रिक का इसका एक और सिम्टम है कि आपको जो ढकार आएगी, दुर्गंध रहेगी, और जो नीचे से गैस निकलेगी उसमें भी जो है स्मेल रहेगी। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप एंटीम क्रूड 200 सुबह शाम खा लीजिए, आपकी दुर्गंध वाली प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसका गैस्ट्रिक का सिम्टम इतना ज़्यादा है कि आप भूल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको कब लेनी है। तो इसका जो है गैस्ट्रिक का एक और सिम्टम है कि आप खाना खाते हैं, चाहे पेट में ड्यूटनल अल्सर, चाहे पेट में आपको कोई भी तकलीफ है, खाना खाने के बाद में पेट आपका फूल जाता है, तो आप जो है एंटीम क्रूड दे लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। हालांकि ये सिम्टम लैगोपोडियम में भी है, तो आप लैगोपोडियम के साथ में ले सकते हैं, आपको आराम हो जाएगा। अगला सिम्टम है मेल पर जो है इम्पोटेंसी, माने आपका पेनिस जो है एकदम छोटा हो जाएगा, अंडकोष छोटा हो जाएगा, नाइट फॉल होता रहेगा, तो ऐसा सिम्टम आपको हो तो आप जो है एंटीम क्रूड 200 चार बार सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपका जो है अंडकोष नॉर्मल हो जाएगा, जो पेनिस छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो नाइट फॉल होता है आपका बंद हो जाएगा। तो इसका अगला सिम्टम है फीमेल पर, फीमेल पेशेंट को जो निम्फोमेनिया होता है, फीमेल पेशेंट को सेक्सुअल डिजायर की इच्छा ज्यादा होती है, इसके बाद उनका पीरियड जो है इरेगुलर हो जाता है, और जो उनको लिक्यूरिया होता है, तो ऐसे पेशेंट को जो है एंटीम क्रूड दे दीजिए, या अगर सुन रहे हैं बात हमारी तो उनको ले लें, तो उनका जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर उनको एमिनुरिया है, अगर मेंसेज एकदम बंद हो गया है, तब पर भी उनको एंटीम क्रूड 200 सुबह शाम कुछ दिन लगी, तो उनका एमिनुरिया भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है रेक्टम पर। रेक्टम में क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एक खूबी है कि आप जांघिया पहने रहते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है, और सुबह जांघिया में लाल रंग का या कैसा भी रंग का जो है दाग पड़ जाता है, इसका मतलब कि जो है आपके रेक्टम से जो है कोई जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप जो है एंटीम क्रूड 200 दे दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इसका अगला सिम्टम है हुपिंग कप पर। हुपिंग कप जब आती है तो सांस मालूम पड़ता है, सांस बंद हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हुपिंग कप के साथ में अगर आपको जो है छाती में बर्निंग हो रही है, तो आप जो है एंटीम क्रूड 200 पावर की सुबह शाम ले लीजिए, आपका जो हुपिंग कप ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला एक यूनिक सिम्टम है, आपको प्रॉब्लम कोई भी हो, आपकी डिजीज कोई भी हो, अगर आपकी डिजीज गर्मी के मौसम में बढ़ती है, धूप में आप काम करते हैं उससे आपको कोई तकलीफ होती है, तो आप जो है एंटीम क्रूड के पेशेंट हैं, तो आप एंटीम क्रूड 200 सुबह शाम दे लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, एंटीम क्रूड का एक यूनिक सिम्टम है कि अगर जो है अधिक गर्मी पड़ती है तब पर भी आपको तकलीफ होती है, और अगर अधिक ठंडी पड़ती है तब पर भी आपको तकलीफ होती है, अगर दोनों सिम्टम आपको मिलते हैं आप एंटीम क्रूड के पेशेंट हैं, आप एंटीम क्रूड सुबह शाम चाचा बुन करके दे लीजिए, आपकी जो है परेशानी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एंटीम क्रूड के बारे में बताया, जितना भी बताया मेरे लिए अभी भी कम है, तो जो सिम्टम मिले आपको वो आप दवा खा लीजिए, फिर भी कोई आपको डाउट हो या आपको प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, प्रॉपर कंसल्टेशन की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक और चैनल जिसका नाम है वोडा होम्योपैथी, जो इंग्लिश में है, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले किसी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।